आगे देखेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफले के लिए किस तरीके से लॉकडाउन में धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की देखते रहिए लास्ट तक पूरा वीडियो। ये देखिए अलीगढ़ का नज़ारा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आ चुके हैं। इसके बाद यह रामघाट रोड क्वारसी बाईपास होते हुए देव सैनी एक गांव है वहां पर जा रहे हैं दौरे के लिए। और ये गंदे नाले पर इस तरीके से उनके निकलने के लिए पब्लिक को रोक दिया गया है। देखिए जब हम दिखाएंगे अभी इसको बिल्कुल पास से, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए कितने पास खड़े हुए हैं, किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हैं केवल मुख्यमंत्री के लिए जनता को रोकने का। परंतु पुलिस वालों का तो ड्यूटी है और उनको डायरेक्शन है कि इस समय सीएम साहब का काफिला आ रहा है तो गंदे नाले पर ही वहीं पर पब्लिक को रोक दिया जाए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पब्लिक कितनी पास पास खड़ी है और किस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही हैं मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रोकने को लेकर के। जनता इसको लेकर के शायद परेशान भी दिखती है। ये आपका क्या नाम? जी मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद जी, ये इस समय जो यहाँ गंदे नाले पर रोक रखा है मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जनता, कितनी देर से रोक रखा है? 20 मिनट हो गई। 15-20 मिनट हो गई तो जरूरी काम भी होगा, आप उसके लिए जा रहे होंगे? हाँ जी बिल्कुल, काम ही काम है इसलिए भाग रहे हैं लॉकडाउन में। अच्छा, तो दिक्कतें हो रही है मतलब एक मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जनता को रोकना? हाँ ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है। ये क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। हाँ जी, आपको ऐसे मुख्यमंत्री काफिले के लिए कितने समय से रोक रखा है गंदे नाले पे? 15-20 मिनट हो गया। कोई जरूरी काम भी होगा तो इस कारण से रुके हुए हैं, फिर भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सईम है। तो ये जैसे मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है यहाँ से रामघाट रोड से, तो आपको रोक रखा है, कोई दिक्कतें भी होगी, परेशानी? हाँ परेशानी बहुत है, हमें ट्रांसपोर्ट और दवाइयाँ छोड़ने जानी है और चुंगी पे हमें 1 घंटा बैठ के आऊँगा और अभी आधे घंटा मुझे यहाँ पे होगा। तो आध घंटे से अभी काफिला निकला नहीं है और रोक लिया है? 1 घंटा हुआ मुझे इंतजार करते हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, आपका ये रोक रखा है मुख्यमंत्री काफिले के लिए कोई दिक्कत है? कितनी देर से रोक रखा है? 1 घंटे से खड़े हैं। तो अच्छा, इतना समय से इंतजार ही कर रहे हैं कि काफिला कब निकले, कब हम निकले? तो कोई काम से भी जा रहे होंगे तो रुके होंगे? इमरजेंसी, यानी कि जिस मुख्यमंत्री को जनता चुनती है आज उसी मुख्यमंत्री के लिए जनता को रोक दिया गया है ना? जी सर, जनता परेशान है, काफी परेशान हो रही है। अच्छा, 1 घंटे के करीब हो गया यहाँ से, 1 घंटा पहले एक आदमी के चक्कर में सारी जनता परेशान है। यानी कि सीएम वैसे जनता का मुखिया है और आज उसी के कारण जनता परेशान है? जी सर। ये देखिए योगी जी का काफिला जा रहा है लगातार, इसी के लिए पब्लिक को रोक रखा था, अभी आने वाला है। देखिए उनका एस्कॉर्ट है पहले। ये देखिए सांड बीच में आया था, उसको भी अलग किया गया। ये देखिए गाय भी बीच में आई है, अड़चने दूर करनी पड़ रही है समय समय पर। देखिए पुलिस वाले भगा रहे हैं। ये देखिए काफिला गुजरता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का, यह है मेन काफिला जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। इसी के लिए पब्लिक को रोका हुआ था इस कोरोना महामारी में और रोक करके इस तरीके से पास पास खड़ा किया इसी काफिले ने कि धज्जियाँ उड़ाई हैं पूरे लॉकडाउन की। देखिए ये काफिला है सीएम का। देखिए कितना ज़बरदस्त काफिला है, पीछे गाड़ियों पे गाड़ी। और ये काफिला जैसे ही गुजर जाएगा तभी जनता यहाँ से फ्री हो पाएगी। देखिए ये देखिए काफिले का और थोड़ा सा बचा हुआ भाग। इस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं इस वाली रोड पर के जैसे कि हाईवे हो स्पीड में। जो गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं उन्हीं में से किसी में सीएम योगी आदित्यनाथ थे। ये देखिए काफिले के साथ में यहाँ खड़े हुए लोग जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं है,
और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लॉकडाउन की। ये देखिए आप, ये काफिला गया है और भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। इसी भीड़ के कारण से देखिए कितना लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, आप खुद देखिए।